अरे मोदी जी, आलू बेचना छोड़ दिया क्या? अब आम बेचने लगे? अरे आम क्यों बेचने लगे, आलू का काम क्यों छोड़ दिया? अच्छा ये बताओ, आम तुम्ही से ले लेता हूँ, लंगड़ा आम है क्या तुम्हारे पास? अरे राहुल, आलू में कोई खास प्रॉफिट नहीं था, इसीलिए आलू का काम छोड़ना पड़ा, आम का काम चालू कर दिया। और क्या कह रहे हो, लंगड़ा? अरे लंगड़ा नहीं रखता मैं सही सलामत आम रखता हूँ, लंगड़ा बिल्कुल नहीं रखता। दशहरी है, दशहरी ले लो, बहुत बढ़िया दशहरी है। अरे शहद से मीठी दशहरी है, अरे ले लो 10 किलो ले लो। राहुल राहुल राहुल, लंगड़ा मेरे पास है, मेरे पास है। योगी जी, मैं तुम्हारी इसी बात से खफा रहता हूँ, तुम्हारे पास कस्टमर नहीं जाते तो इस तरीके से चुपके से बुलाते हो सीटी से। अरे तुम्हारे पास कस्टमर नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे का कस्टमर बुला लोगे उसकी दुकान से, ये बात अच्छी नहीं लगी मुझे। अरे मोदी जी, इतने सत्य के पुजारी मत बनो, राजनाथ सिंह परसों आए थे आम लेने के लिए मेरे पास, कैसे चुपके से तुम इशारे करके बुला रहे थे, कैसे बुला रहे थे? तुमने उन्हें नहीं बुलाया था? आज मैंने राहुल को बुला दिया तो कौन सी बड़ी गलती कर दी? अरे मोदी जी, योगी जी, लड़ो मत, मैं दोनों से थोड़ा थोड़ा आम ले लेता हूँ। तुम्हारे पास लंगड़ा नहीं है, लंगड़ा ले लेता हूँ मैं योगी जी से, और तुम्हारे पास दशहरी है, दशहरी ले लेता हूँ मैं तुम्हारे पास से। दोनों 5-5 किलो दे दो। देखा मोदी जी, चुपके से बुलाने का फायदा, 5 किलो आम बिक गए। अरे यहाँ पर कोई किसी का दोस्त नहीं है, सबको अपने अपने पेट की पड़ी है, कैसे भी कस्टमर को बुलाओ, बस बुलाओ।